राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे अष्टम नवरात्रा कैसे मनाया जाता है, किस माँ की पूजा होती है, कैसे इनकी आराधना होती है। तो मैं बताना चाहूंगा, आठवें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। ये महागौरी कौन थी, क्यों पूजा जाता है, इनका पूरा विधान मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। महागौरी माता रानी की कृपा हम सब पर वर्षे, आप सब पर वर्षे, ऐसी कृपा हमेशा हमारे ऊपर वर्षे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि माँ गौरी का अष्टम दिन आराधना करके उनको पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद माँ गौरी के स्वरूप को आप देखें तो चार भुजाधारी गौर वर्ण वाली चार भुजाएं हैं। एक में त्रिशूल है, एक में डमरू है, और दो भुजाओं से बर देती हैं, अभय दान देती हैं। अगर हमारी पूजा, हमारी आराधना उनको स्वीकार हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाता है। माँ गौरी की पूजा में कहीं कहीं माँ अष्टमी को नवरात्रि पूजी जाती है, कहीं कहीं नवमी को नवरात्रि पूजी जाती है। तो अष्टमी के दिन चाहे नवरात्रि पूजे या ना पूजे, अष्टमी पूजे या ना पूजे, लेकिन माता रानी के भोग के लिए पकवान अवश्य बनाए, क्योंकि बहुत सौम्य रूप है माँ गौरी का, बहुत सौम्य रूप, अति उत्तम स्वरूप है इनका। एक पौराणिक कथा आती है कि शिवजी को प्राप्त करने के लिए, भगवान भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने बहुत बड़ी तपस्या की, कठिन तपस्या की, और उस तपस्या को करते करते इनका गौर वर्ण काला पड़ गया। लेकिन जब शिवजी आए तो गंगा जल से इनका अभिषेक किया, जब गंगा जल से इनका अभिषेक किया तो माता रानी को गौर वर्ण दोबारा से प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, शिव जी की पूजा तो वो करें ही करें, मां गौरी की भी पूजा करें, उन्हीं की कृपा से उनका कलर बदल जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, मन का कलर बदलिए, और जिस नियम के अनुसार मां गौरी की पूजा की जाती है, पुष्प अक्षत चावल मिठाई जो भी आप चढ़ाएं, माता रानी को भाव से चढ़ाएं, विश्वास से चढ़ाएं, माता रानी आपके सभी कार्यों को सफल करे। सदा माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके समस्त जगत में रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ मुझे दे इजाजत। राधे राधे।